मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने पिछले दिनों कर्ण नगरी वासियों यानी करनाल को ऑक्सीवन के दूसरे चरण की सौगात दी है। करीब 400 हेक्टेयर क्षेत्र में बनने वाले इस विशाल पार्क से जहां हरियाली बढ़ेगी, वहीं लोगों को शुद्ध हवाएं मिलेंगी। नई अनाज मंडी के सामने से मधुबन तक की इस ऑक्सीवन में अलग अलग तरह के 5 वन क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इस रिपोर्ट को देखिए। वन महोत्सव में सीएम सैनी ने दी सौगात। करनाल में 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव। सीएम सैनी ने की 2 योजनाओं की घोषणा। 1 करोड़ पेड़ लगाने का दिया लक्ष्य। सीएम सैनी ने दी ऑक्सीजन 2 की सौगात। करनाल वासियों को मिलेगी शुद्ध हवा। 2023-24 में रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम और नूह जिले में 22,425 हेक्टेयर क्षेत्र को सुरक्षित वन अधिसूचित किया गया। तकरीबन 20,000 पौधे लगाए गए। पचहत्तरवे राज्य स्तरीय वन महोत्सव के दौरान सीएम नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में तकरीबन 20,000 पौधे लगाए गए। इस काम में सीएम नायब सिंह सैनी के साथ कई संस्थाओं, नागरिकों, छात्रों और एनसीसी कैडेट ने दिया। सीएम सैनी ने पौधारोपण के अवसर पर सेलिब्रेट नेचर सेलिब्रेट लाइफ का स्लोगन दिया। उन्होंने कहा कि पेड़ों की कटाई अधिक होने की वजह से तापमान 50 डिग्री से ऊपर तक चला गया था। हम पेड़ तो काटते रहे लेकिन लगा कम रहे हैं। सरकार ने लिया ये फैसला। राज्य स्तरीय वन महोत्सव के मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारे राज्य को हरा भरा बनाकर प्रदूषण मुक्त करने के लिए ऑक्सीजन बनाए जा रहे हैं। साल 2023-24 में रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम और नूह जिले में 22,425 हेक्टेयर क्षेत्र को सुरक्षित वन अधिसूचित किया गया है। इसके साथ ही 500 से 100 एकड़ में ऑक्सोवीन बनने का फैसला लिया गया है। शहरी और ग्रामीण इलाकों में 22 ऑक्सीवन स्थापित किए गए हैं। वहीं पंचकुला जिले में ऑक्सीवन स्थापित करने का काम जारी है। प्राण वायु पेंशन स्कीम के तहत साल 2023-24 में 3,819 वृक्ष संरक्षकों के खाते में 2,750 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से पेंशन दी जा रही है। ऑक्सीवन 2 परियोजना पर फोकस। आपको बता दें कि 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के दौरान ऑक्सीवन 2 का उद्घाटन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने त्रिवेणी रोपित करके किया। इसके बाद पर्यावरण संरक्षण प्रहरी बने पुलिस के जवान और एनसीसी कैडेट ने ऑक्सीवन में 20,000 पौधे रोपित किए। अब ऑक्सीवन पार्ट 3 विकसित किया जाएगा। बता दें कि ऑक्सीवन का 5 जून 2021 को विश्व पर्यावरण दिवस पर तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिलान्यास किया था, जिसे 3 भागों में विकसित किया जा रहा है, जिसमें 9 प्रकार के वन क्षेत्र विकसित होंगे। ऑक्सीवन परियोजना के तहत शहरवासियों को शुद्ध हवा व स्वस्थ जीवन दिया जाएगा। पहले भाग का कार्य पूरा हो चुका है। ऑक्सीवन की पूरी परियोजना पर लगभग 25 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने वन विभाग द्वारा प्रकाशित 9 पुस्तकों का विमोचन भी किया। दूसरे भाग में तपोवन, पाखी वन, कृष्ण वन व सुगंध वन विकसित किए गए हैं। आपको बता दें कि ऑक्सीवन 4 किलोमीटर क्षेत्र में करीब 80 एकड़ भूमि में तैयार किया जाता है। ये स्थानीय वासियों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा। इससे शहर वासियों को शुद्ध वातावरण भी मिलेगा। सावन के इस पावन मास का आगाज हो रहा है। हर तरफ प्रकृति की अनूठी छटा है। मनुष्य तो क्या, पेड़ पौधे भी झूमकर वर्षा ऋतु का स्वागत कर रहे हैं। बरसात का मौसम ये पौधारोपण का सबसे अच्छा समय है और मैं कहना चाहूंगा
सेलिब्रेट नेचर, सेलिब्रेट लाइफ, ये वन महोत्सव का हमारा आज का ये एक स्लोगन है। आपको बता दें कि ऑक्सीवन पार्ट टू में स्मृति वन विकसित किया जाएगा, जिसमें लोग अपने जन्मदिन व विशेष दिन की स्मृति के लिए पौधारोपण करेंगे। जैसे ही एक व्यक्ति का एक साल बाद जन्मदिन या विशेष तिथि आएगी, इस तिथि पर ऑक्सीवन में पौधारोपण कर सकते हैं। वहीं कार्यक्रम में आह्वान किया गया कि एक पेड़ माँ के नाम योजना के तहत कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं। इसके साथ साथ ये संकल्प भी लें कि अपने बच्चों के जन्म दिवस पर, विवाह की वर्षगांठ के अवसर पर या किसी खुशी पर पौधा लगाकर अपनी खुशी को यादगार बनाएं। 4 वर्षों तक रोपित पौधों का रखा जाएगा विवरण। आपको बता दें कि स्वस्थ पर्यावरण के लिए हरित आवरण की महत्वपूर्ण भूमिका और हरियाणा में वन क्षेत्रों में कमी को पहचानते हुए वन विभाग की ओर से वन मित्र योजना शुरू की गई है। योजना का उद्देश्य वन क्षेत्र बढ़ाने में स्थानीय समुदायों को सीधे शामिल करना है। योजना के तहत 1 जुलाई से 15 अगस्त तक पौधरोपण अवधि होगी, 31 अगस्त तक पौधारोपण सत्यापन और जियो टैग, सितंबर से अप्रैल तक रोपित पौधों का रखरखाव व संरक्षण किया जाएगा। योजना के तहत 4 वर्षों तक रोपित पौधों का रखरखाव और संरक्षण का लेखा जोखा भी रखा जाएगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।